बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में लुगात सरसरी के तहत एक दिलचस्प लफ्ज की शायराना तहकीक के साथ हाजिर हूँ। ये आप इश्तिहार देख रहे हैं। अगर आप इश्तिहार देखना नहीं चाहते तो वीडियो को स्किप कर लें, और अगर अपनी किसी कंपनी का, किसी इदारे का, किसी कारोबार का या और किसी चीज़ का इश्तिहार मेरी वीडियोस में शामिल करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर लें, आपको मैं पूरा तरीक़ेकार बता दूंगा। लुगाते सरसरी के तहत आज का लफ्ज़ है इजमा। इस लफ्ज़ के मुतरादिफात आपके सामने आ रहे हैं। इसके कुछ अरबी मुतरादिफात हैं, कुछ फ़ारसी और कुछ हिंदी। मुतरादिफात जो होते हैं वो तकरीबन एक माना में होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क बहरहाल होता है। ये फ़र्क लुगात के ज़रिए से आपको मालूम हो सकता है। इस लफ्ज़ का अरूजी वज़न है मफ़ऊल, और इस लफ्ज़ का रवी है अलिफ़ आइन। इसके हम वज़न काफ़िए और तजनीसी काफ़िए भी आपके सामने आ रहे होंगे। हम वज़न काफ़ियों का मतलब है कि वो काफ़िए जो इस लफ्ज़ के साथ किसी भी बहर में इस्तेमाल हो सकते हैं, और तजनीसी काफ़ियों का मतलब ये है कि इस लफ्ज़ और इन कवाफ़ी में ज़्यादातर हरूफ एक जैसे हैं। हरफ रवी के अलावा भी कुछ हरूफ ऐसे हैं जो इनमें एक जैसे हैं, जिसकी वजह से अल्फाज मज़ीद खूबसूरत लगते हैं।